बरेली जनपद के आमला क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक में काशीराम यादव इंटर कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव व जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 33 ने जरूरतमंद लोगों को सर्दी की ठुठन से बचाने के लिए कंबल वितरित किए। यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं रहे। धर्मेंद्र यादव ने क्षेत्र के लोगों से समाजवादी पार्टी की नीतियां बताते हुए पार्टी को मजबूत करने की अपील की और कंबल वितरण कार्यक्रम को अभूतपूर्व बताया। करना चाहिए वो काम भी हमारे साथ ही कर रहे हैं। सर दूसरी चीज़ ये जो किसान बिल पे इस समय एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल किसान विरोधी हैं, किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इन कानूनों को तीनों को वापस लेना चाहिए, और जब तक वापस नहीं हो रहे हैं किसान आंदोलनरत है। समाजवादी पार्टी किसानों की मांग पर किसानों के साथ है और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना समर्थन दे रही है। जो किसान बिल बने हुए हैं सरकार के, तो वहाँ पर क्या कमी है जो किसान जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए दो तीन बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो बिना MSP के कानूनन व्यवस्था जब तक MSP की नहीं हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तब तक ये माने किसान लूट लिए जाएंगे, भविष्य में कॉरपोरेट कंपनियों के अधीन आ जाएंगे, और जो आज खेती किसानी करने वाले लोग अपनी खेती के मालिक हैं कल मजदूर हो जाएंगे। इसीलिए पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, और ये BJP के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाई है। सर जैसे कि आगामी चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी, जैसे कि आपके परिवार में जो परस्पर एक पार्टी बनाई गई है, तो क्या आप लोग उसके साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ने का इरादा है? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में न केवल जाएगी बल्कि जनता का बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा लेके सरकार बनाएगी। और इसके विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि किसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये अध्यक्ष जी का फैसला है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया था जिस पर भाजपा जो काफ़ी हमलावर रही है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी ने लगातार देश के वैज्ञानिकों को साइंटिस्टों को लगातार शुभकामनाएँ दी हैं, लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ का भाजपाईकरण करने का प्रयास है उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार व्यक्त किए, और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं देश के तमाम बुद्धिजीवी डॉक्टर IMA के लोग भी अब उनकी बात को दोहरा रहे हैं। सर जैसा कि अभी जो प्रदेश सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार चल रही है, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से ध्वस्त है, और पुलिस को केवल समाजवादी कार्यकर्ताओं के घरों को घेरने में लगा रखा है, उन पर मुकदमा लगाने में लगा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो दो दिन पहले की तीन दिन पहले की घटना बदायूं की है, जिस तरीके की लापरवाही पुलिस की सामने आई, एक महिला का रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है, और हत्या के तकरीबन 48 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, FIR होती है 46 घंटे बाद, तो आप अंदाज लगाइए कि कानून व्यवस्था क्या कर रही है। अपराधी छोड़े जा रहे हैं, अपराधी जाति देख के बचाए जा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश की हाल। और बदायूं ही नहीं, आपके लखनऊ में हत्या हुई, बदायूं में नाबालिग बच्ची के साथ उसी दिन घटना हुई जिस समय ये उगैती थाने की घटना है, ऐसी पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, और इसलिए जनता ने मन बना लिया है सरकार को हटाने का। अच्छा सर, जैसे गाजियाबाद के मुरादनगर में शायद आपके प्रकरण संज्ञान में होगा कि शमशान घाट की बिल्डिंग गिरी थी, सर उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जीरो टॉलरेंस वालों से बात करनी चाहिए आपको। जीरो टॉलरेंस वालों की जो बात करते थे, तो इस टॉलरेंस में ये कहाँ गया, उनकी टॉलरेंस पावर बढ़ कैसे गई घटना में? और वहाँ का पत्थर, वहाँ का जो उद्घाटन का जो चीज़ें सामने आई उससे अंदाज़ा लग रहा होगा, कार्रवाई ठोस होनी चाहिए, कठोरतम होनी चाहिए। सर आने वाले चुनाव के लिए और आम जनता को आपका क्या संदेश होगा? आने वाले चुनाव में जनता से यही प्रार्थना है, गुजारिश है, निवेदन है, अपील है कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जो इस प्रदेश को विकास, तरक्की, खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकती है। भैया आज जो आपने कार्यक्रम किया था कंबल वितरण कार्यक्रम, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमने अपने जिला पंचायत वार्ड 33 के लगभग समस्त ग्राम पंचायत और उनके मजरों में करीब 3500 कंबल बांटे थे। हमारा मन
विचलित था, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी और लोगों को, असहाय लोगों को ठंड का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने और हमारे पिताजी श्री विजेंद्र सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख रामनगर लोगों ने मिलकर कंबल बांटने का काम किया। तो आज लगभग कितने कंबल वितरण किए गए थे? लगभग 3500 कंबल वितरण किए गए थे और करीब 36 लोगों के। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, हम लोगों के बाजुओं की ताकत श्री धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बताए थे। धर्मेंद्र यादव ने किसान बिल को लेकर भाजपा सरकार की तीव्र आलोचना की। यहाँ करीब 3500 लोगों को कंबल वितरित किए गए। मंच पर मुख्य वक्ता गुरुप्रसाद सिंह चक्रपुर पूर्व प्रधान ने भी किसान बिलों को किसान विरोधी बताया। आलमपुर जाफराबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि भाजपा सरकार ने समाजवादी पेंशन बंद कर दी है, जिससे लोग यहाँ परेशान हैं। आपको बता दें कि मंच का संचालन सतन सिंह यादव ने किया। यहाँ बरेली जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में आशीष यादव, कैप्टन अर्जुन सिंह, ओमवीर सिंह, जयपाल सिंह, सतन सिंह, आदित्य यादव, लक्ष्मण प्रसाद लोधी, इंद्रपाल सिंह यादव, बी डी वर्मा, राजेश यादव, गुलाम नबी, गुलाम कादरी, रसूल अहमद, राम प्रकाश मौर्य, इंजीनियर सतन सिंह यादव, हिमांशु यादव, चेयरमैन सैयद अली के साथ कई लोग मौजूद रहे।